स्वागत है, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। इस देश की सियासत अब इस स्तर पर उतर आई है कि इतिहास के खूनी खलनायकों को नायक बनाकर पेश किया जा रहा है और देश के महान और वीर नायकों को खलनायक साबित करने की कोशिश हो रही है। आज एक ऐसी घटना सामने नहीं आई है, अकेली घटना नहीं है, बल्कि तीन तीन घटनाएं सामने आई है। पहली घटना महाराष्ट्र की है, जहां औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को कुछ लोग अपना पिता बता रहे हैं, उसके पोस्टर लहरा रहे हैं, सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहे हैं। ये वो औरंगजेब है जिसने अपने हाथों से अपने भाइयों का कत्ल किया, जिसने अपने पिता को मरते दम तक कैद में रखकर बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया। ये वो औरंगजेब है जिसने वीर छत्रपति संभाजी और गुरु तेग बहादुर की क्रूर हत्या की। ये वो आलमगीर औरंगजेब है जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, मथुरा का मंदिर तोड़ा और ना जाने कितने हिंदुओं पर किस किस तरह के अत्याचार किए। इस कटु सत्य को कोई नहीं नकार सकता कि इसी औरंगजेब की वजह से आज तक इस देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच एक खाई बनी हुई है। लेकिन अब इसी देश में कुछ लोग औरंगजेब की स्तुति कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ औरंगजेब की नहीं है, सियासत के नाम पर आधुनिक भारतीय इतिहास के महान नेताओं का भी अपमान किया जा रहा है। लोकसभा में महज 52 सीटों वाली कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का अपमान किया है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर हेडगेवार को कायर बताया है। उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी विवाद हो गया है। टू नेशन थ्योरी के जनक यानी पाकिस्तान के निर्माण में योगदान देने वाले, या यूं कहें कि भारत के दो टुकड़े करने वाले अल्लामा इकबाल जो मशहूर उर्दू शायर थे, उन्हें जब दिल्ली के यूनिवर्सिटी के कोर्स से हटाने की बात हुई तो कई लोग अब इस पर भी सियासत कर रहे हैं। आज 5 की पंचायत में हम इन्हीं सब तीन मुद्दों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि इन विवादों को लेकर किस तरह की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और उसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक कितने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले, ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। औरंगजेब के बारे में हमारी एक भूमिका है, 400 साल पुरानी है, वो रहेगी। औरंगजेब महाराष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए आया था, वो ऐसा मुगल शासक था, उसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, धर्मांतर किया, ऐसी बातें की। छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू स्वराज्य स्थापन करने के लिए औरंगजेब से लड़ना पड़ा। वो पूरा इतिहास आप देख सकते हो, इतिहास में बन्नों बन्नों पर छत्रपति शिवाजी महाराज के शूरता का गौरव, और छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सैन्य ने, उनके लोगों ने औरंगजेब को इस मिट्टी में ही दफनाया। औरंगजेब का अगर कोई पोस्टर है, औरंगजेब का कोई अपने मोबाइल पे कुछ लगा रहा है, तो क्या ये गैर कानूनी है? इस देश के अंदर पार्लियामेंट की मेंबर गॉडसे की तारीफ करती है तो उसको तो गिरफ्तार नहीं किया जाता। औरंगजेब का नाम लेने वालों को आप कैसे गिरफ्तार करेंगे? किस कानून में लिखा है? देवेंद्र फडणवीस ने जो बोला है कि भाई यहाँ औरंगजेब के फोटो, टीपू सुल्तान के फोटो दिखाकर जानबूझकर यहाँ झगड़ा लगाने की कोशिश हो रही है और इसकी पूरी जांच हम करेंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया है। जिन्होंने दंगा फसाद किया उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, लेकिन इसी तरह के फोटो दिखाकर किसी को भड़काना ये अच्छी बात नहीं है। मुल्लापुर में जो दो बच्चों ने औरंगजेब का डीपी रखा था,
उसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि इन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। जब मुस्लिम समाज एकदम स्पष्ट है, किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया, तो एकदम बात क्लियर है कि तथाकथित जो धर्म के ठेकेदार है, जो आज पूरे कोल्हापुर में माहौल खराब कर रहे हैं, उनके बारे में क्या क्यों नहीं बात कर रहे हो? देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करने के पहले वे स्वयं चिंतन करें कि भारत का दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के टुकड़ों पर कौन पल रहा है। आपकी छवि पूरे हिंदुस्तान में दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की औलाद इस प्रकार से क्यों बनी है, इसका चिंतन कब करोगे? तो खूनी खलनायक औरंगजेब को कौन बना रहा है नायक, और पाकिस्तान बनाने वाले अल्लामा इकबाल पर क्यों उमड़ रही है मोहब्बत, और क्यों किया जा रहा है स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर हेडगेवार का अपमान, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्वास पाठक, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ, जो नेता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रफुल्ल केतकर, जो संपादक हैं ऑर्गेनाइजर के, और सैयद जव्वाद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। वहीं इतिहासकार के तौर पर डॉक्टर ओम जी उपाध्याय हमारे साथ हैं, जो डायरेक्टर हैं ICHR के। आप सभी मेहमानों का DD न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सवाल की शुरुआत विश्वास पाठक में आपसे करना चाहूंगा, ये बात सही है कि औरंगजेब को इतिहास में क्रूर शासक माना जाता है, इतिहास की किताबों में भी ये दर्ज है कि उसने किस तरह के अन्याय और अत्याचार किए हैं, और जिसका खामियाजा आज तक हिंदू और मुस्लिम एकता के बीच में देखा जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आपके नेता उप मुख्यमंत्री फडणवीस का यह कहना कुछ लोगों को कि ये औरंगजेब की औलाद है, ये कहां तक सही है? इसमें गलत क्या है? देखिए, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में 2 महीना पहले कुछ कांग्रेस के नेता और NCP के नेता कहते हैं कि महाराष्ट्र में दंगे फसाद होने वाले हैं, उसी वक्त से इन्होंने एक साजिश के तहत पहले अमरावती, अकोला, संभाजीनगर, कोल्हापुर, मालाड, सभी जगह ऐसी घटनाएं करने की कोशिश की। अब औरंगजेब कौन है? हमारा कोई आदर्श है? और उसके फोटो लेके हम क्यों जा रहे हैं? इन्होंने जो तारीख भी चुनी है, 6 जून को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक था, उस दिन पूरा महाराष्ट्र वो मना रहा था उत्सव की तरह, शिव छत्रपति महाराज हमारे दैवत है। उसी समय रात को 12 बजे कुछ नाबालक बच्चों के द्वारा स्टेटस रखा जाता है, जुलूस में औरंगजेब टिपू सुल्तान की तस्वीरें देखी जाती है, तो इसको क्या कहें फिर? औरंगजेब की औलादे ही है जो महाराष्ट्र को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, इस प्रकार की कोशिशें MIM, NCP, कांग्रेस और शिवसेना भी जुड़ गई है, वो करती है। हमारे साथ आसिफ, मोहम्मद आसिफ भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जैसा कि आरोप लगाया अभी विश्वास जी ने, और कहा कि किस तरह से पहले से ये NCP के नेता जितेंद्र आव्हाड जो हैं वो बार बार कह रहे थे कि महाराष्ट्र में 2 महीने से बाद वो कह रहे थे कि महाराष्ट्र में दंगा होने वाला है। इसी तरह से और भी जो नेता हैं महाराष्ट्र में विपक्ष, बार बार दंगे की बात कर रहे थे, इस तरह की खबरें इनको लग कैसे रही थी? क्या इन्हें पहले से मालूम था कि महाराष्ट्र का माहौल बिगड़ने वाला है? जब सियासी पार्टी के पास कुछ नहीं होता बोलने के लिए, किस तरीके से उन्होंने तोड़ के सरकार बनाई सबके सामने, क्या रहा इतने दिन से, कोई उनका मुद्दा नहीं बचा, मुद्दों से बचने के लिए मालूम था ये सब होने वाला है। आसार नजर है किस तरीके से मणिपुर के अंदर पूरा मणिपुर जल रहा है अस्त, और क्या हालात हैं, कितनी लोगों की जान चली गई, सरकार पूरी तरह चुप रही। आज मणिपुर से हटा के महाराष्ट्र में लाके इशू खड़ा कर दिया गया है, और ये चर्चा का इशू है। आज चर्चा किस बात को लेके हो रही है कि फोटो लगाई, नारे लगाए, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं किस संगठन से जुड़े हुए जो भाजपा के साथ मिलके हर चुनाव के अंदर चुनाव को पोलराइज करते हैं, वही लोग तो हैं। की पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं पार्टी के जिन लोगों ने पोस्टर लगाया बता रहे किस पार्टी जुड़े हुए थे, किसके जिला उस पार्टी, मैं बताता रहा हूँ, हर उस चुनाव के अंदर जाके चुनाव का माहौल को चेंज करना, भाजपा के लिए काम करना। हम कह तो रहे भाजपा के लिए उन्होंने काम किया, एक मुद्दा ला के दिया उन्होंने बना के, एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। रही बात औरंगजेब की और शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज साथ मिलकर पठान चुनाव लड़ा करते थे जंग, और औरंगजेब के साथ में ढाकू लड़ते थे,
तो उस वक्त के हालात क्या थे, आज के हालात क्या है? मतलब को क्रूर शासक मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं तो ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था? मैं सारी बात को जो कहेंगे जो किताबों में लिखी हुई है, जो किताबों में लिखी है सारी बात को मानूंगा, लेकिन आप ये भी मानेंगे कि औरंगजेब के साथ मिलकर ठाकुर राजा ठाकुर लोग उस वक्त लड़ रहे थे, उधर शिवाजी महाराज साथ में मिलकर पठान लड़ रहे थे? ठीक है, ये बात सच है, किताबों का हिस्सा है। राजनीतिक विश्लेषक है प्रफुल्ल जी, ये क्या मानसिकता है कि अब एक ऐसा धड़ा आज भी मौजूद है इस देश के अंदर जो अपना आदर्श जो है वो औरंगजेब को मानता है, वो आदर्श दारा शिकोह को नहीं मानता, वो रस खान को नहीं मानता, वो रहीम को नहीं मानता, वो क्रूर आताताई एक आतंकी आतंक के सहारे जो सल्तनत चलाता था वो क्रूर औरंगजेब उसको अपना आदर्श मानता है, ये क्या मानसिकता है, ये क्या सोच है प्रफुल्ल? देखिए मैं जो ये चलाते हैं उनके बारे में नहीं कहूँगा, अभी ये सब कह रहे थे शायद भूल गए उसी पार्टी के लोगों को जब शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे वाले गुट के साथ मिलकर जब सरकार थी तो औरंगजेब पे के मकबरे पर चादर चढ़ाने का कार्यक्रम उसी पार्टी को इन्होंने शह देने का काम किया था। देखिए मूल समस्या क्या है जी, ये कहते हैं सोच में अंतर, देखिए कौन किसके तरफ से लड़ा था ये अंतर नहीं है, मूल विषय ये है क्या काफिर के नाम पर उसने अन्याय किया या नहीं किया, कत्ल किए या नहीं किए, मंदिर तोड़े या नहीं तोड़े, सारे तीर्थयात्राओं पर टैक्स लगाया या नहीं लगाया, हिंदू व्यापारियों पर टैक्स लगाया या नहीं लगाया, जेल में कितना भी बड़ा गुनाह हो इस्लाम स्वीकार करता है तो माफ किया या नहीं किया। मूल विषय यह है भारत में न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म की व्याख्या, हम किन आदर्शों पर शासन चला रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श केवल इसलिए नहीं है, उनका आदर्श इसलिए है कि उनके शासन में महिलाओं का सम्मान, सारे उपासना पद्धतियों का सम्मान होता था, तो इसलिए वो आदर्श है, वो हिंदू या मुस्लिम का आदर्श नहीं है। तो दुर्भाग्य की बात ये है कि यहां की जो सेक्युलर पॉलिटिक्स रही, इस सेक्युलर पॉलिटिक्स ने अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए हमेशा से औरंगजेब जैसे शासकों को व्हाइट वॉश करने का प्रयास किया, कुछ इतिहासकारों ने उसका साथ दिया। पहली बात, यदि ये सेक्युलर पॉलिटिशियंस ये बात कहना शुरू करते हैं तो उनको भारत के मुसलमानों को ये बताना पड़ेगा कि भाई औरंगजेब जैसे शासकों का जो तैमूर से अपने आप को जोड़कर देखता है, सारे अपने प्रशासन में भारत के मुसलमानों को भी नहीं रखता, 65% टॉप जो लीडरशिप है वो सारी फॉरेन इन्वेडर्स को रख देता है, उसके पहले विक्टिम्स जो है जिनकर सबसे ज्यादा अन्याय हुआ जो आज भारत में इस्लाम के फॉलोअर्स है उन पर हुआ, तो उनके पूर्वजों पर हुआ, तो ये कहनी पड़ेगी, ये कहनी पड़ेगी तो वो सच्चा इतिहास बताना पड़ेगा। उस इतिहास से भागना है तो फिर सेक्युलरिज्म के नाम पर, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के नाम पर इस एक तरह से ग्लोरीफाई करो या व्हाइट वॉश करो, ये दो तरह की राजनीति होती है। ओवैसी जैसे लोग ग्लोरीफाई करते हैं कांग्रेस और उसकी विचारधारा के आधार पर जो चलते हैं वो व्हाइट वॉश करते हैं। हमारे साथ सैयद जव्वाद भी मौजूद हैं। सैयद जव्वाद, आखिर औरंगजेब से कुछ लोगों को इतनी मोहब्बत क्यों है? देखिए महाराज की जो खोखा सरकार है वो सरकार की बातें और उनकी जो नीतियां हैं वो खोखली हैं, और खोखा पार्टी के प्रवक्ता जो हैं, जो बयानबाजी कर रहे थे उनकी बातें भी जो थी वो एकदम बिल्कुल खोखली निकली। तो खोखा पार्टी के खोखा प्रवक्ता की बातें खोखली हैं। इन्होंने महाराज के हितों के लिए क्या काम करा, कैसे मेरा सवाल ये था कि कुछ लोगों को औरंगजेब से मोहब्बत क्यों है? तकलीफ होने लगी, मैं तो अभी मैंने अरे तकलीफ कैसे सही है जब्बार साहब, आपको हमने बुलाया, हमने आपको आमंत्रित किया, इसीलिए कि आप अपनी बात करें, लेकिन बात जो है वो जो सवाल पूछेंगे उसी पे बोलना पड़ेगा ना। अब कल को आप सूडान और सूरीनाम और अंगोला की समस्या पे बोलने लग जाएंगे तो बोलने दूंगा क्या मैं आपको? मैं बोलने दूंगा क्या आपको? मैंने सवाल पूछा कुछ लोगों को औरंगजेब से मोहब्बत क्यों है, इसका जवाब दीजिए आप। अभी बता रहा हूँ क्यों है, आप बताइए। इतना समय, इतना फुटेज थोड़ा है, एक घंटे का ही तो कार्यक्रम है, पांच पांच मेहमान है। अरे देखिए इसलिए मोहब्बत है क्योंकि इनको खोखे से मोहब्बत है। अच्छा, 50 खोखे एक दो खोखे। अब आइए मुद्दे पर, अब आइए मुद्दे पर। हां हां, ये बताइए कि कुछ लोगों को खूनी क्रूर अपने भाइयों के हत्यारे अपने पिता को कष्ट देने वाले औरंगजेब से मोहब्बत क्यों है? सैयद जब्बात, इस बात का जवाब दो।
अच्छा बिल्कुल दे रहे हैं। जवाब ये है क्योंकि अभी खोखा पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे थे उनको खोखे से मोहब्बत है, इसलिए वो कभी जिना को कब्र में से फाड़ करके ले आते हैं, कभी इलेक्शन से पहले जो है जिना आ जाते हैं, पुरानी स्क्रिप्टेड है, कभी जिना को ले आई। आपको याद है यूपी इलेक्शन के दौरान में जिना की फोटो के ऊपर बवाल हुआ था, याद है? नहीं याद है? बवाल के बवाल रिजर्व करता था सही है जब बात मेरे हिसाब से आप एएमयू के पास आउट है, आप एएमयू से पढ़े शायद, वो विवाद रिजर्व करता था इस देश में। मोहम्मद अली जिन्ना जिसने भारत माता के दो टुकड़े किए उसकी तस्वीर नहीं हो सकती। आगे बोलिए। अच्छा सुनिए अभी देखिएगा कैसे तकलीफ होने लगती जैसे सरकार। अरे देशद्रोहियों का साथ दोगे, मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को जस्टिफाई करोगे, इस देश के दो टुकड़े करने वाले को जस्टिफाई करोगे, तकलीफ होगी? हो रही है तकलीफ? अरे अभी आप समर्थन कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना का समर्थन आप कर रहे हैं, आप जैसे मुसलमानों को जिन्ना की वजह से भुगतना पड़ा है। जिन्ना की मजार पे जाने वाले कौन है? जिन्ना की मजार आप बताइए ना, आप बताइए कि औरंगजेब से मोहब्बत क्यों है? आप सवाल पे आ ही नहीं रहे, उस सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। अरे सुन लीजिए, खोखा पार्टी के प्रवक्ता को चवन्नी की बात करने वाले मेरे यहाँ, चवन्नी अठन्नी की बात ना करो यार। सैयद साहब सिचुएशन ये है, जवाब दो सवाल ये है कि भारत के मुसलमानों को आदर्श किसको मानना चाहिए, आदर्श किसका होना चाहिए? अभी जिन्ना की मजार पे जाने का टाइम नहीं आया, आदर्श किसका होना चाहिए? और उस पर बात करो ना यार। अरे अभी जिन्ना को भी लेकर क्या हो गया और भैया को भी लेकर क्या हो गया टीपू? अरे भाई आदर्श कौन होना चाहिए भारत के सामने? कर्नाटक चलिए ठीक है, हमने मान लिया सैयद जब्बार के जो आदर्श है वो औरंगजेब है और जिन्ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। इतिहासकार हमारे साथ ओम जी उपाध्याय मौजूद है। ओम जी उपाध्याय साहब बोलने नहीं दे, अरे आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो समय मत खराब कीजिए ना, सवाल जो पूछा उसका सीधा जवाब दीजिए। अरे सुन लीजिए सवाल का सीधा जवाब देंगे तब सुनेंगे। बिल्कुल सवाल ये तो है कि औरंगजेब से मोहब्बत क्यों? अरे सुन लीजिए, यहाँ के मुसलमान औरंगजेब को अपना आइडल नहीं मानते, यहाँ के मुसलमान मीर अब्दुल हमीद को अपना आइडल मानते हैं। बहुत अच्छी बात। यहाँ के मुसलमान मौलाना आजाद को अपना आइडल मानते हैं, यहाँ के मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आइडल मानते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, कभी औरंगजेब को ले आएंगे, कभी जिना को ले आएंगे, कभी टीपू सुल्तान को ले आएंगे, कभी अरे इतिहास में क्या हुआ वहां चले जाएंगे। अरे भविष्य की बात करो, फ्यूचर प्लान क्या उसकी बात करो। अब इनको खोखा चाहिए होगा तो ये उछल उछल के बोलेंगे। मैंने आपको बात बहुत अच्छी कही, लेकिन आपने कहा कि बीजेपी लेकर आ गई, पोस्टर लहराने वाले कौन थे औरंगजेब के? बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो मजार पे जाते हैं औरंगजेब की मजार पर जो चक्कर चलाते हैं, ये लोग थे वो? अरे जिन्ना की मजार पे कौन गया था? बीजेपी के लोग गए थे? नहीं गए थे जिन्ना? तो जो जिन्ना की मजार पे गए थे, जिन्ना की मजार में जो गए थे वो राजनीति में साइडलाइन हुए? नहीं हुए। वो राजनीति में साइडलाइन हो गए वो लोग? पहले मैंने देशद्रोही है भारतीय राजनीति में? अरे जिसने जिन्ना का समर्थन किया उसका क्या हुआ राजनीति में सबको मालूम है, बहुत खुली बात करता हूं। इनका भी हो जाएगा तो इनका भी राजनीति में हाजिर हो जाएगा। विश्वास पाठक जी, विश्वास पाठक जी, सैयद जब्बार का यह कहना है कि बीजेपी जो है वो वोट बैंक के लिए चुनावों को देखते हुए औरंगजेब और जिन्ना जैसे मुद्दे लेकर आती है, आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, हमें क्या जरूरत है? देखिए 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में, अरे आप खोखा बताइए, खोखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खोखा सरकार के प्रवक्ता है तो बातें आपकी झूठी होगी। आप खोखे में हस्तक्षेप करिए, आपका आपका जो पानी में है एक्सपर्टीज है उसके पर डिपेंड करिए, उसलिए हम चुन के आ रहे हैं। पर हम तो चुनने के लिए ऐसे मुद्दे लाने की जरूरत नहीं है, मुद्दे तो इनको मांगने पड़ते हैं, उनको महाराष्ट्र की सरकार डिस्टेबलाइज करनी है, क्योंकि यहाँ पर गत 9 महीने से एक डेवलपमेंट की एक्टिविटी चल रही है। यहाँ पे कोस्टल रोड बन रहा है, मेट्रो बन रहा है, मुंबई की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, नागपुर से मुंबई तक महामार्ग बन गया है, ये जो डेवलपमेंट चल रही है, आज एफडीआई में महाराष्ट्र वापस नंबर वन डेस्टिनेशन बन गया है। लेकिन विश्वास सवाल जो सैयद जवाब चुनावों को कोई जरूरत नहीं है, हमें हमारे डेवलपमेंट की सरकार को आपने बना ली एक नाथ शिंदे के साथ, एक नाथ शिंदे का गुट तोड़ कर सरकार तो वही बनी थी 2019 में, हमें वही मैंडेट था 2019 में, बाबा साहब ठाकरे की सरकार
आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका मिलेगा सैयद, परेशान ना हो, बोलिए विश्वास जी। परेशान हो ये तो मुस्कुरा की बात छोड़ देते हैं। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय हैं, जाने माने इतिहासकार हैं, ICHR में डायरेक्टर हैं, इतिहास की गहरी समझ रखते हैं, बहुत देर से हम सबकी बात सुनी उन्होंने। एक इतिहासकार के नजरिए से डॉक्टर ओम जी उपाध्याय बताइए कि औरंगजेब को लेकर अब एक जो बहस छिड़ गई है कि कुछ लोग जो है औरंगजेब के अंदर अपना हीरो ढूंढने लगे हैं, आलमगीर औरंगजेब में, और इतिहास क्या कहता है, क्योंकि हम जो जितना जानते हैं कि औरंगजेब एक ऐसा चरित्र है जिसके बारे में वामपंथी इतिहासकार, जिनके ऊपर ये आरोप लगता है कि उन्होंने भारतीय इतिहास के साथ जबरदस्त तरीके से छेड़खानी की है, उन तक ने यह कहा है कि औरंगजेब जो था वो आताताई था, उसने हिंदुओं पर अत्याचार किए। आप क्या कहेंगे? धन्यवाद धन्यवाद प्रखर जी, आपने कम से कम पांचवें पंच को भी बोलने का मौका दिया। मुझे लग रहा था कि पंचायत चार पंचों में ही निबट लेगी, पांचवें पंच को अवसर नहीं मिलेगा। देखिए औरंगजेब की जहां तक बात है, औरंगजेब जितने भी सोर्सेज हैं आप उठा के देखिए और ठीक तरीके से देखिए उसको, उसके समकालीन इतिहासकार को उठा लीजिए, मासिर आलमगीरी साकी मुस्तैद खां लिख रहे हैं, उसके फरमान्स को देख लीजिए, उसके अखबारात को देख लीजिए, जिस तरह का उसने अपने व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन में जिस तरह की क्रूरता, नृशंसता, निर्ममता और अत्याचार किया है, वो दुनिया के इतिहास में एक अलग तरह के स्थान पे आपको मिलेगा। वो जिस तरह से धर्मांतरण कर रहा है, जिस तरह से हिंदुओं पर कर लगा रहा है, जिस तरह से अपने भाइयों की मुराद की और दारा सिंह की हत्या कर रहा है, और जिस तरह से यहाँ की बहुसंख्यक जनता पर अत्याचार कर रहा है, उनके आस्था के प्रतीक, उनके धर्मस्थलों को तोड़ रहा है, ऐसे में किसी का, वो इस देश में रहने वाले किसी भारतीय का हीरो हो जाए, उसका नायक हो जाए, तो ये तो क्या मुझे इसके लिए कहना चाहिए, मुझे तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। दूसरा, मैं एक चीज मानता हूं प्रखर जी, कि भारत के मुसलमानों को उससे कनेक्ट क्यों करना चाहिए, ये तो स्वयं उसके अत्याचार के शिकार लोग हैं। बिल्कुल, आप देखिए अगर इतिहास उठा के इनमें से सभी को, तो ये शायद उसी के समय कन्वर्टेड लोग होंगे। ये जो बात सुन रहे हैं ना, इनकी ओम जी उपाध्याय की बात सुन रहे हैं ना, सही अत्याचारों को सहा है। नहीं नहीं, अब ये पता नहीं कौन सी किताब के अरे भाई साहब ICHR के डायरेक्टर है, सुन लीजिए जरा क्या कह रहे हैं, जरा इतिहास का ज्ञान बढ़ेगा। हां जी ओम जी उपाध्याय बताइए, ऐसे मतलब 10 डायरेक्टरों को मैं सुनिए, बहुत ज्ञान की बात, ओम जी उपाध्याय बताइए, और सुन लीजिए, जो औरंगजेब के समय जो कन्वर्टेड हुए थे, आप उस बारे में कह रहे थे कि औरंगजेब के समय कन्वर्टेड हुए थे। मैं जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि भारत के मुसलमानों को उनसे, औरंगजेब से कनेक्ट क्यों करना चाहिए, अपना नायक क्यों मानना चाहिए, तो बड़ी अजीब सी बात। जवाब भी दे दूंगा, तलवार के डर से कन्वर्टेड हुए थे मुसलमान, ऐसा आप बता रहे हैं औरंगजेब के समय। जब्बाद जी धैर्य से मेरी बात सुनिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा और पूरी तरह से प्राथमिक स्रोतों के आधार पर दूंगा, मैं कोई बात नहीं बोलूंगा, आप धैर्य से सुन लीजिए, ठीक है, आप केवल धैर्य से सुनिए, आपको एक एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आप, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता जिसको मैं प्राथमिक स्रोतों से प्रूव न कर सकूं। जी शखर जी, ऐसे में औरंगजेब को, औरंगजेबी मानसिकता जो इस देश में फैली है या पनपी है, असली संकट वो है, औरंगजेब उतना बड़ा संकट नहीं है। दूसरे कह रहे थे कि हम इतिहास के मुद्दे क्यों उखाड़ते हैं, साहब एक चीज जान लीजिए, दुनिया का जो समाज या राष्ट्र अपना इतिहास भूल जाता है ना, उसका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। इतिहास से सीख लेना, इतिहास से सीख लेना और उसके आधार पर अपने आगे की योजनाओं को ठीक तरीके से बनाना, उन गलतियों को न दोहराना। जवाब जवाब ले लीजिए सर, सवाल हो गया आपका, जवाब ले लीजिए सर। आप डायरेक्टर है और इतिहास के जानकार हैं, अभी आप कह रहे थे और श्रीवास्तव साहब ने इस चीज के ऊपर प्रूफ है, मतलब उसको जो है प्रूफ करने की, इतिहास जो है वो लेफ्टिस्ट ने लिखा, ये बताइए कौन से इतिहास से आप पढ़ करके बताएंगे, क्योंकि जो लेफ्टिस्ट का इतिहास होगा वो मानेंगे नहीं आप, और RSS 100 साल में कोई ऐसा दानिश्वर नहीं हुआ जिसने इतिहास लिख दिया। सर जवाब साहब चेंज मत कीजिए, गलत फहमी में मत रहिए, 500 साल राज किया, 600 साल राज किया, ये आप ही बताते हैं।
आप ये मानेंगे कि मैं तो ठीक तरीके से वो इतिहास बोलेंगे आकर के कौन साल लगे मैं तो अभी लेफ्ट के या आरएसएस के इतिहास की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इतिहास देश का होता है। आप मासीरे आलमगिरी को मानेंगे या नहीं? मासीरे आलमगिरी कहती है, मासीरे आलमगिरी उसके कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, औरंगजेब के स्वयं के कोर्ट का डॉक्यूमेंट है। वो कहता है His Majesty eager to establish Islam issued orders to the governors of all the provinces, सारे प्रोविंसेस के गवर्नर्स को आदेश दिया। क्या दिया? Demolish the schools and temples of infidels। कौन थे उस समय infidels? हिंदू। किसके पूर्वज थे जी? और put down urgency, utmost urgency, put down the teachings and the public practice of the religion of this misbelievers. कौन थे misbelievers? तो इसलिए दो तीन चार लोग एक तरफ से बोलते हैं। अरे तो औरंगजेब को समर्थन कहां से लाए भाई? ये जब बात आप जैसे बिरला लोग बोलते हैं, आप जैसे जनता पर हुआ है, देश में जबरदस्ती मतांतरण हुआ है, मंदिर तोड़े गए हैं, टैक्स लगाए गए हैं, ये इतिहास था या नहीं था? दारा शिको का आदर्श होना चाहिए या औरंगजेब का आदर्श होना चाहिए? सवाल से कर देंगे ना, सिंपल उत्तर दीजिए ना, इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? नाथूराम गोडसे के भतीजे फिर बोले, ये नाथूराम गोडसे के भतीजे क्यों कह रहे हैं? कहां से आ गए औरंगजेब? रट लिए, ये कुछ शब्द जो हैं आप लोगों ने रट लिए, ये मानसिकता हो गई है। औरंगजेब पर प्रश्न करो, गोडसे पर चले जाते हैं। अरे भैया, गोडसे को कोई नहीं मानता, गोडसे को कोई फॉलो नहीं करता। आप औरंगजेब को क्यों मान रहे हो? भतीजे ना उठे, अच्छा ये बताइए औरंगजेब औरंगजेब को मानते हो तो आपको तो कभी के भाग जाना चाहिए था। उधर बॉर्डर पार करके जिन्ना को मानोगे, औरंगजेब को मानोगे और यहाँ पे गोडसे पर व्याख्या दोगे? अरे कुछ भी कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी मध्य प्रदेश। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी आती कहां से यहाँ पे? सवाल ये चल रहा है, देश के सामने आदर्श क्या हो? महाराज भी चटा के हर देश के सामने आदर्श हो। सिंपल उत्तर दो, नहीं तो मैं समझूंगा कि आप खोखा लेकर बैठे। औरंगजेब ने खोखा दिया क्या? जिन्ना ने खोखा भेजा? जिन्ना ले आइए, टीपू सुल्तान ले आइए, कुछ भी ले आइए। अरे भैया उत्तर दो, भारत के सामने आदर्श कौन होना चाहिए? औरंगजेब होना चाहिए या दारा शिको होना चाहिए? सिंपल उत्तर पूछ रहा हूँ। अरे गोडसे के भतीजे काम नहीं किया गया, गोडसे के भतीजे सुनिए। अरे जिन्ना के नापाक सपूत, जिन्ना के नापाक सपूत, उत्तर तो दो जो प्रश्न पूछा है। दोनों भतीजे सुना तो कोई नहीं ले रहा है। ये आप शब्द में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। ये जब बात का खोखा लेकर बैठे हो, आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप नेशनल चैनल लेकर बैठे हो, इसी वक्त तो भी पत्रकार को इस तरह से शब्दों का प्रयोग करना आपके लिए भी देखिए भाषा की मैं समझा देता हूँ। देखो जब्बार जी, आप बहुत अच्छी डिस्कशन करते हैं, आपने काफी जोश है, लेकिन जिस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल एक वरिष्ठ पत्रकार के लिए कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और अगर शब्दों के इस्तेमाल की बात आई तो मैं भी जिन्ना के साथ आपका रिश्ता जोड़कर कोई नाती पोता कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। इसलिए मर्यादा ये कहती है कि शब्दों का ध्यान रखें। चैन बात औरंगजेब की चल रही है, अगर दिल में औरंगजेब बसता है सैयद जब्बार, मानो मानो सैयद जब्बार के दिल में औरंगजेब बसता है। मासा वही पे गई है ना, मासा वही पे गई है, वही पे लेकर निकलने वाले कौन थे? पोस्टर निकलने वाले कौन थे? उसको कंडेम क्यों नहीं करते हो? छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के दिन उनके पोस्टर निकलने वाले कौन थे? अरे सुन लीजिए, सरकार कितनी सुनी। अरे तुम्हें मत कीजिए, पहले तो अदब से बात कीजिए, नहीं तो औरंगजेब के औलाद आप ले जाओगे। सुन लीजिए, हमको तहजीब और सिखाई, हम तहजीब आपसे अच्छी जानते हैं। आपकी तहजीब और आपकी शिक्षा और आपकी तालीम, ये तहजीब है, ये तहजीब है। सुन लीजिए, आपको बहुत समय ले लिया, आपके मिजाज को भी
सुनिए सैयद जब्बार, मैं आपके बहुत समय लिए, प्रफुल्ल जी आपसे भी निवेदन है, आसिफ खान साहब बहुत देर से सुन रहे हैं, आसिफ खान साहब एक कांग्रेस के आप नेता हैं, साथ में आप एक इस्लाम और मुस्लिम स्कॉलर भी एक तरह से कह सकते हैं अपने आप को, आप इस्लाम धर्म को मानते हैं, और आपने जो पूरी बहस सुनी, आपने देखा किस तरह से चर्चा हो रही थी, क्या भारत के मुसलमानों को, क्योंकि आप भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, कांग्रेस की माइनॉरिटी सेल से भी जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि भारत के मुसलमानों को औरंगजेब को आदर्श मानना चाहिए, दारा शिकोह जैसे लोगों को मानना चाहिए? सबसे पहले तो मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं, ठीक है पॉलिटिकल आदमी हूं, अल्पसंख्यक मोर्चा भाई शेर में रहा हूं मैं, वो हूं, लेकिन आप मुझे वहां ना जोड़े, ठीक है। रही दूसरी बात, हिंदुस्तान का मुसलमान महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानता है, बहुत बढ़िया बात, अबुल कलाम आजाद को अपना आदर्श मानता है, बहुत बढ़िया बात, जिनके कहने से हिंदुस्तान में रुका उसको अपना लीडर मानता है। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले बयान दिया, नथुराम गोडसे उनके आदर्श है, उत्तराखंड के वो कौन सी नस्ल के हैं, कौन उनका बाप है वो बताएंगे, ऐसे लोगों को जो देश का सबसे पहला हत्यारा हिंदुस्तान का आतंकवादी है उसको अपना आदर्श मानते हैं, पहला आतंकवादी था हत्यारा था उसको किस तरीके से अपना आदर्श मानते हैं, रशीद तंज ने स्वामी श्रद्धा की हत्या की, ये बताइए कैसा दूसरा आतंकवादी था, इल्मुद्दीन था, कैसे नथुराम गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं, क्या उसके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा फाइल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो देश को गुमराह कर रहे हैं भाजपा के लीडर, ऐसे लीडर खड़े होके उनके हिमायतियों को माफी मांगनी चाहिए, हमने गलत कहा, यही लोग साहब, यही जी, एक सेकंड जरूर केस कीजिए, लेकिन उनके लिए गोडसे के पक्ष लेकर कोई रास्ते पर उतरा नहीं ना, मैं अलीगढ़ के अंदर हिंदू संगठन के लोग गोडसे की फोटो लेके खड़े हुए और गांधी जी की फोटो के ऊपर गोलियां मारी उन लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा फाइल किया भाजपा की हुकूमत ने, क्योंकि भाजपा के लोगों के आदर्शी गोडसे हैं, दूसरा है ही नहीं, केस कीजिए, अरेस्ट कीजिए, सरकार क्या सो रही है, लेकिन सरकार टीवी के ऊपर नजर नहीं आता, सरकार आप केस करने जाइए, बस आप केस करने जाइए, आप जाइए, सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या, देश ने इसलिए चुनी है, टीवी के ऊपर तमाम चैनलों पर नजर आ रहा है किस तरीके से महिला गोली मार रही है और आप उसके ऊपर खंडन नहीं कर रहे, गिरफ्तार हुई, मैं तो कह रहा हूं उसको ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए था, और वो कौन से लोग हैं जो ISI को हिंदुस्तान की सामग्री बेचते हैं, कौन से संगठन जुड़े लोग हैं, अभी काफी चर्चा का विषय रहा, RSS का पूर्व कार्यकर्ता जो पार्टी से जुड़ा रहा वो पाकिस्तान को सामग्री बेच रहा है चंद पैसों की खातिर, एक आदमी को बताइए मुसलमान ने समर्थन में कोई खड़ा रहा क्या, क्या कह रहा हूँ लेके मुसलमान को पाकिस्तान, क्या करते हैं पाकिस्तान, आप पाकिस्तान हिंदुस्तानी है, अरे आपकी तरह आप लोगों की तरह नहीं, जैसा कि आप सभी को मालूम है हमने विषय जब मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने बताया था कि आज 3 विषय हैं, क्योंकि औरंगजेब पर हम काफी चर्चा कर चुके हैं, एक विवाद आज डॉक्टर हेडगेवार को भी लेकर आया जो RSS के संस्थापक थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, और आज जब कर्नाटक की स्कूली किताबों और कॉलेजों में जब उनके बारे में पढ़ाया जाता था तो बीके हरिप्रसाद जो कांग्रेस के नेता है 52 सांसदों वाली पार्टी जो कांग्रेस है उसके नेता हैं, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन RSS के जो संस्थापक है डॉक्टर हेडगेवार को कायर बताया, और ना जाने इतिहास से किस किताब से वो ये पढ़कर आए हैं कि उन्होंने कहा कि 6 बार उन्होंने अंग्रेजों को पत्र लिखे, ये अब कोई जानकारी कैसे मिली क्या मिली नहीं वो तो नहीं मालूम है, तो मुझे लगता है कि हमें किस विषय पर भी चर्चा करना चाहिए कि एक तरफ जहां खलनायक औरंगजेब को जो है वो हीरो बनाने की कोशिश हो रही है, वहीं डॉक्टर हेडगेवार जैसे राष्ट्र नायकों को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता विश्वास पाठक हमारे साथ मौजूद हैं, विश्वास आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसे लेकर? देखिए सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं मैं नागपुर से हूं जी, डॉक्टर केशव बलराम भद्द हेडगेवार जो आद्य सरसंघ चालक थे वो भी नागपुर से थे जी, इतिहास है कि डॉक्टर हेडगेवार ही कांग्रेस के मूवमेंट में और फ्रीडम पार्टी में वो इन्वॉल्व थे, उसके बाद में जब उन्होंने सोचा कि अगर हमें पूरी आजादी चाहिए इस देश में देश की जनता इकट्ठा होना जरूरी है, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस संगठन का ही स्थापना 1925 में की, बिल्कुल 1925 में 2 साल के बाद में इस संगठन को 100 साल हो रहे हैं, केशवराव बलराम भद्द हेडगेवार ये एक विचार है, और आज देश में और दुनिया में ऐसा कोई भी विचार नहीं जो सतत 100 साल तक चल रहा है और आगे बढ़ रहा है, इस प्रकार की जो बातें की है कांग्रेस के वही उनकी दिवाली पर दिखाता है, उनको उसका कोई नॉलेज है नहीं, ना इतिहास का नॉलेज है,
आरएसएस को नॉलेज है बहुत। अरे सही है जब्बार, अरे फुटेज ला लिया फिर बीच में बोलना शुरू कर। अरे फुटेज जो हम ना खाते हैं, फुटेज थाने वाले मानसिकता दिखाते हैं, दिमाग की मानसिकता दिखाते, अत्याचारी मानसिकता। अरे फिर मानसिकता यही है। अरे यही है विश्वास पाठक जी अपनी बात पूरी कीजिए, विश्वास पाठक जी अपनी बात पूरी कीजिए। विश्वास पाठक जी की बात सुन लेते हैं। संघ के विचार ने इस देश को विश्वास पाठक जी जनता के बीच अपना विश्वास खो चुके हैं। श्रेणी में आता है हम नेशनल चैनल पे बोल रहे हैं, आप कितने माशाल्लाह भोले लग रहे हैं आप, कितने प्यारे लग रहे हैं। आप मेरी बात को समझिए, बहस को चलने दीजिए। आपने जो मेरी तारीफ की उसके लिए धन्यवाद जी। विश्वास जी बोलिए। ये जो विचार है संघ का, इस विचार द्वारा ही आज जो प्रधानमंत्री देश के है, राष्ट्रपति है, सभी जो देश की जो पूरी सलाहन और देश में दुनिया में, इसका कारण यही है कि राष्ट्रभक्त लोगों की ये संस्था है और इस संस्था के ऊपर काफी टास्क रहने की कोशिश की गई। कायदे कानून सुप्रीम कोर्ट सब ने यही एडजस्ट किया कि राष्ट्रभक्त संगठन इसको हम मजबूत नहीं कर सकते हैं। और ये विचार आगे 100 साल हो गए, दुनिया में ऐसे कोई भी संगठना नहीं है और इतनी बड़ी संगठना नहीं है जो इस देश को, दुनिया को एक दिशा दर्शन करने का काम कर रही है। ठीक है, हमारे साथ आसिफ साहब भी है। आसिफ साहब, आप कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के नेता वी के हरिप्रसाद का जो बयान है वो कहते हैं कि जो डॉक्टर हेडगेवार हैं वो कायर थे और उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, इतिहास कहां से लेकर आए? क्या उन्हें पता नहीं है कि डॉक्टर हेडगेवार स्वतंत्र सेनानी थे और दो दो तीन तीन बार जेल गए वो? इस तरह के बयान देकर कांग्रेस नेता हासिल क्या करना चाहते हैं? अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस देश के लिए सोचती है, देश की पार्टी है, उसी तिरंगे को देश को अपनाने के लिए आरएसएस को लेकर मैं जवाब दूंगा। मैं आपकी जवान की बात, मैं उनकी बात का जवाब देके आपका भी जवाब दूंगा, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। जिस पार्टी को, जिस संगठन को 100 साल होने जा रहे हैं, 54 साल तक उसने तिरंगा झंडा अपनाने में दिक्कत महसूस की, उसको कौन सा दर्द रहा तिरंगा अपनाने से? ये वो लोग सत्ता की मलाई खाना था तक की बात करना चाहते हैं। रही यही वही लोग हैं भाटगेवर जी, उसी संगठन से आते हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, हिंदू महासभा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। अब मैं जवाब दे रहा हूँ। आजादी से पहले 100 साल हो गए हैं, आजादी से पहले जब जब बंगाल के अंदर जब सरकार बनी शिवसेना। अब सुनिए सही बात, आप भी सुनिए क्योंकि आपने सवाल उठाया था। आजादी से पहले बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कृषक प्रजा पार्टी के साथ सरकार बनाई थी जिसके नेता फजलुल हक थे। यह समाजवादी नीतियों पर चलने वाली पार्टी थी, किसानों और मजदूरों की पार्टी हुआ करती थी। इसकी अपने दिमाग से ये जाले झाड़ लीजिए। ये जो टेप की तरह आप लोग जो टेप की तरह बसते रहते हो ना कि मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी, जरा इस इतिहास को ठीक कर लो और व्हाट्सएप ज्ञान से बाहर निकल जाओ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर हेडगेवार का जो पूरा जीवन है वो हमने इतिहास में भी पढ़ा है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा संघ के इतिहास को छुपाने की इस देश में कोशिश हुई है, लेकिन इसके जिक्र आते हैं कि गांधी जी के जो 3 बड़े आंदोलन थे उसमें से 2 में डॉक्टर हेडगेवार ने हिस्सा लिया। उन्होंने जेल की यात्राएं करी, उसके बाद वो जो है कई बार संघ का दायित्व दूसरों को देकर कांग्रेस के कार्यों में शामिल हुए। उसके बाद भी इतने बड़े महानायक के साथ इस देश के इतिहास क्यों नाइंसाफी करता रहा, और जब उन्हें सही स्थान देने की कोशिश होती है तब भी कुछ तत्व उनके साथ नाइंसाफी करने के लिए क्यों आते हैं? देखिए, इतिहास में, भारत के इतिहास के लेखन में जिस तरह का डिस्टॉर्शन हुआ है जी, जितना लॉपसाइडेड, मैं केवल डॉक्टर हेडगेवार की नहीं बात कर रहा हूं,
आप सरदार पटेल के स्थान को देख लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद स्थान देख लीजिए, इवन नेवल जो एक तरह से रेजिस्टेंस हुआ था 1946 का, उसका स्थान देख लीजिए, क्रांतिकारियों का योगदान देख लीजिए, इसको सबको किस तरीके से दरकिनार करने की कोशिश की। अब इस क्रांतिकारियों में से 1913 से डॉक्टर हेडगेवार अनुशीलन समिति के सदस्य बने, बिल्कुल। उसके बाद बहुत सारे प्लेग के जहां जहां पे प्रादुर्भाव हुआ उसमें उन्होंने अपना योगदान दिया। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था, उस नागपुर के अधिवेशन के प्रस्ताव समिति के वो सदस्य थे, उसमें भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता और पूंजीवाद से मुक्ति इस प्रस्ताव को भी उन्होंने रखा। 1923 के बाद उन्होंने धीरे धीरे यह सोचना शुरू किया कि केवल राजनीतिक तरीके से स्वाधीनता नहीं मिलेगी, समाज का भी संगठन करना पड़ेगा। त्रिकल जी, उनको बोलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं, बीच में टोकेंगे तो नहीं मिलेगा, बीच में नहीं टोकेंगे तो मिलेगा। मैं तब से बता रहा हूं, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा। ज्ञानवर्धन हो रहा है ना, थोड़ा तो सुन तो लीजिए बात। उसके बाद मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ, मैं तथ्यों के बारे में बात कर रहा हूँ, उस तथ्यों को काट के दिखाइए तो बात करूंगा। दो बड़े आंदोलन हुए जी, एक असहकार का हुआ, उसके बाद जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो 10 साल जेल में रहे, उनका स्वागत करने के लिए डॉक्टर मुंजे के साथ साथ कौन थे तो उसमें मोतीलाल नेहरू भी थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता। अच्छा, मोतीलाल नेहरू भी आए थे। अच्छा, उनके साथ उस सत्याग्रह में उस समय के स्वयंसेवकों में से दादाराव परमार्थ, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, मैं इधर उधर के हवा की बात नहीं करता हूं। दादाराव परमार्थ, पुरुषोत्तम दिवाकर, बाबा साहब दावले, अप्पाजी जोशी, रामकृष्ण भार्गव, त्रंबक देशपांडे, नारायण गोपाल, राजेश्वर गोविंद, ये 12 स्वयंसेवक थे वर्धा, आरवी और नागपुर के, जो उनके साथ जेल में गए थे। और ये जंगल सत्याग्रह के नाम से ये सत्याग्रह जाना जाता था। और 1940 तक लगातार उन्होंने कभी भी अपनी कांग्रेस की सदस्यता छोड़ी नहीं, कांग्रेस की सदस्य वो बने रहे। कांग्रेस ने उनको डिसोन किया। वो कांग्रेस में रहते हुए समाज के संगठन का उनकी नियमित चर्चा होती थी कांग्रेस के नेताओं के साथ। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी मिले, 1939 में भी मिले अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करने से पहले। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस योगदान को नकारना, मैं कहता हूं कि भाई अलग अलग धाराएं थी लेकिन सब एक ही सत्य की ओर जा रहे थे। जैसे हम कहते हैं कि अलग अलग मार्ग हो सकते हैं लेकिन अंतिम सत्य तो स्वतंत्रता था उस समय, स्वाधीनता था। प्रफुल्ल जी, थोड़ी देर से ही सही, आदिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं। अब आपने मुझे मौका देना था, एम के ओबीसी जी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, थोड़ी देर से हमारे साथ जी, मौका देना था आपको। सैयद भाई, नए मेहमान आए हैं, जरा स्वागत कीजिए। आदिल भाई आए हैं, ओबीसी जी की पार्टी के नेता हैं, उनसे भी तो बात कर ले। पांच की पंचायत सैयद जब्बात के साथ यही रख लेते हैं नाम, तो पांच की पंचायत। आदिल साहब है ना, आदिल साहब की पंचायत का। आदिल साहब, अभी हम ब्रेक से पहले, अभी हम जो पहला सेगमेंट जो हमारा था उसमें हम चर्चा कर रहे थे औरंगजेब के ऊपर, कि जिस तरह से औरंगजेब को लेकर पूरा जो महाराष्ट्र का माहौल बिगड़ा। आखिर कुछ लोग औरंगजेब से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, अपने बाप या पिता या वालिद की तरह क्यों समझते हैं, मानसिकता क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि आपकी पार्टी के भी कुछ नेता चादर चढ़ाने औरंगजेब की मजार पर जाते हैं। देख, वो चादर चढ़ाने वो देश में है, उसी औरंगजेब के दादा का बनाया हुआ लाल किला पे प्रधानमंत्री झंडा फहरा रहे, उन्हीं के पोता। दादा की मानसिकता और औरंगजेब की मानसिकता में अंतर था ना, उन्हीं के चादर पे चादर चढ़ा रहे हैं। उसी अकबर का नाम लेके प्रधानमंत्री जाके दूसरे जगह भाषण में जोड़ रहे हैं। तो मतलब आप अकबर और औरंगजेब को एक 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 श्रेणी में रखते हैं, मतलब आप मानते हैं कि अकबर की नीतियां और औरंगजेब की जो नीतियां थी वो अंतर नहीं था, आपने मान लिया ये बात आज? सुना जाए बनी भाई, वो ASI के अंडर में वो मॉन्यूमेंट आता है वो खुला है, या प्रधानमंत्री बना दे, ASI बना दे, कल्चरल मिनिस्ट्री बना दे कि इन मजारों पे नहीं जाना है और इन आदमियों का नाम नहीं लेना है। अच्छा। प्रधानमंत्री एक लिस्ट बना दे UAPA में संगठन का नाम, देश में हजार ASI के मॉन्यूमेंट्स है, 42 नाम बना दे प्रधानमंत्री की, इनका नाम लिया जाएगा। औरंगजेब रोड तो वाजपेयी जी के भी वक्त पे था, उसमें लालजी सेडवानी जी भी थे, तो उस वक्त क्या भाजपा
कि वो औरंगजेब रोड दिल्ली में था, नहीं दिखा था क्या भाजपाइयों को? ये नया नया रोजगार पे महंगाई पे बात नहीं करेंगे? अच्छा, उसी महाराष्ट्र से सही बात की, मैं आपसे सहमत, मैं आपसे सहमत हूँ। अब मुझे बताइए कि ओवैसी साहब तो बहुत पुराने नेता हैं, आज के सांसद तो है नहीं। ओवैसी साहब के पिताजी, उनके दादाजी लगातार हैदराबाद से सांसद बनकर संसद में पहुंचते रहे। इनमें से कितने लोग 2014 के पहले आलमगीर औरंगजेब की मजार पर गए? जो तर्क आप दे रहे हैं उसी तर्क के आधार पर सवाल आप चलिए मैं आप जाके पता कर लीजिए। अच्छा, 2014 से पहले भी, 2014 से भी पहले एमआईएम के लोग वहां जाकर मजार, एमआईएम के कौन लोग जाते थे? ऐसा नहीं, आज के, आज के मुझे बताइए ना, अकबरुद्दीन कितनी बार 2014 के पहले गए? तो रोजगार की बात नहीं करेंगे आप, औरंगजेब की बात करेंगे? आप रोजगार की बात नहीं करेंगे, इसका मतलब आप डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे? स्टूडियो में बैठ कर तब तक मत कीजिए, सरकार की दरबारी तब मत कीजिए। आप ही कह रहे थे ना, भाजपा को है हिम्मत बात करने का रोजगार पे? बेरोजगारी की बात हुई है, महंगाई की बात हुई है, बताइए भाई खोखा सरकार के खोखा प्रवक्ता बताइए, यहाँ पे महंगाई देंगे ये दो करोड़ रोजगार का लिया, जो घरेलू गैस को बढ़ते हुए दाम देखिए, आपको हमने औरंगजेब पर ज्ञान बढ़ाया, आपकी भ्रांतियां दूर करी, डॉक्टर हेडगेवार के बारे में भी हमने आपको समझाया, आपके थोड़े से पास क्लियर होंगे। अब हम अल्लामा इकबाल की बात करेंगे, अब हम अल्लामा इकबाल की बात करेंगे। जैसा कि हमने अपने दर्शकों से वादा किया था, हमारे आज का दूसरा विषय है अल्लामा इकबाल, पाकिस्तान के द्वि राष्ट्र के जनक अल्लामा इकबाल, जिसने पाकिस्तान का विचार सबसे पहले दिया था, अब उन्हें डीयू की जो कोर्स है उससे बेदखल किया जा रहा है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं विश्वास पाठक जी, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सही है भाई, जरा सुन लो, इस पे भी ज्ञान बढ़ेगा, अभी हेडगेवार जी पे ज्ञान ले चुके हो, अब अल्लामा इकबाल की हकीकत जानिए। विश्वास जी, कुछ लोगों को इस देश में जहां जहां इतिहास गलत तरीके से लिखा गया है, दिखाया गया है, और इस देश में जिस जिस गलत लोगों का उदाहरण दिया गया है, पार्टी के साथ खड़े रहोगे भाई? सबसे बड़ी बात जो इतिहास लिखा गया, जब आपकी आवाज कर दी जाएगी, क्या बोलिए विश्वास, क्या बोलिए? जब्बाद, आपको इसके बाद बोलने का मौका मिलेगा। सैयद जब्बाद, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपको इसके बाद बोलने का मौका मिलेगा। बीच में फुटेज मत खाइए, आप इनसे सवाल करने का तरीका नहीं है, हम इनसे सवाल करेंगे और कठोर से आप इनके बात पूरी होने के बाद भी करेंगे, आप अपने हिसाब से नहीं चलेंगे। आप सवाल आवाज म्यूट कर दीजिए, सैयद जब्बाद विश्वास बोलिए, इनसे सवाल करने में बोलिए। देखिए, इस देश में जिस जिस प्रकार से गलत प्रकार का इतिहास लिखा गया था, उसके बारे में पूरा रिसर्च करके इतिहास को रीराइट करना ये हमारा कर्तव्य है। ऐसे लोगों को जिसका उदात्तीकरण किया गया, ग्लोरिफिकेशन किया गया, उनका भी करेक्शन करना जरूरी है, और इसी में, इसी दिशा में उठाया हुए कदम है जिसका हम स्वागत करते हैं। ठीक है, हमारे साथ इतिहासकार भी है ओम जी उपाध्याय। ओम जी उपाध्याय, अल्लामा इकबाल को लेकर कई अलग अलग बातें की जाती है, ये बात निश्चित तौर पर सही है कि सारे जहां से अच्छा उन्होंने लिखा था, लेकिन एक दूसरा कटु सत्य यह भी है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक भी अल्लामा इकबाल थे, और उन्होंने इस्लाम को लेकर और खासकर इस्लाम का रिश्ता तलवार से जोड़कर और भारत को फतेह करने को लेकर जिस तरह की शायरियां लिखी हैं, वो जानबूझकर नहीं पढ़ाई जाती हैं, और जानबूझकर जो है अल्लामा इकबाल का जो एक इस तरह का चेहरा दिखाया जाता है जहां पर वो सारे जहां से अच्छा ही गाते नजर आते हैं। लेकिन उन्होंने पढ़ना चाहूंगा, उनका एक तराना है, तराना मिल्ली कहते हैं, जिसमें उनकी मानसिकता हमको मालूम पड़ेगी। वो लिखते हैं कि चीन और हिंदुस्तान हमारा, अरबों हमारा, मुस्लिम है हम, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, वतन है सारा जहां हमारा, आशा नहीं मिटाना नाम निशा ओ हमारा। यानी इकबाल कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं
और इस पूरे तराने में इकबाल सिर्फ एक ही बात कहने की कोशिश करते हैं कि ये सारा भारत सिर्फ हमारा है और हम इस हिंदुस्तान पर अगर किसी का हक है तो हम मुसलमानों का हक है। तो ये पहलू अल्लामा इकबाल का भी है। चूंकि आप इतिहासकार होने के साथ शिक्षाविद भी हैं, जब अल्लामा इकबाल को कोर्स से हटाया जा रहा है तो इस कदम को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, अल्लामा इकबाल के ये दो पहलू हैं, उसको बहुत ध्यान से देखना और ध्यान से समझना जरूरी है कि जब तरानाए मिल्ली लिख रहे हैं, वो सैयद को मिल्ली लिख रहे हैं, ये सैयद को अभी रोक दीजिए, ये डिस्टर्ब ही करेंगे, इनकी आवाज म्यूट कर दीजिए। पहले लिखिए ना पार्टी से, बात है आप बोलते रहिए, इस तरह के तथ्यों से अगर आप बोलना बंद कर देंगे तो दिक्कत होती है, आप बोलते रहिए। तरानाए मिल्ली लिख रहे हैं पूरी तरह से, और विभाजन के गुनाहगारों की अगर कोई फेहरिस्त बनती है ना, विभाजन के गुनाहगारों की कोई फेहरिस्त बनती है तो जिन्ना के साथ कंधे से कंधा मिलाए इकबाल खड़े दिखाई देते हैं। जिन्ना के अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा चेहरा दिखाई देता है विभाजन के गुनाहगारों में, वो अल्लामा इकबाल का है। 1930 का मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन का उनका भाषण आप ध्यान से पढ़िए, या उसके बाद जो 1938 तक का डेवलपमेंट है, 38 में जो जो बातचीत वो जिस स्तर तक लेके जा रहे हैं, तो इस देश के इस मातृभूमि का वो जिन्ना को जो पत्र लिख रहे हैं और पत्र में जो पाकिस्तान बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो भी एक बिल्कुल बिल्कुल घटनाक्रम जिन्ना से जो उनका जो करेस्पॉन्डेंसेज है, जो बातचीत है, मंचों से जो उनके भाषण है, आप देखिए इस मातृभूमि को काट कर फाड़ कर कृत्रिम रूप से इसके दो टुकड़े करने के सबसे बड़े गुनाहगार अगर दूसरे नंबर पे खड़े दिखाई देंगे तो अल्लामा इकबाल दिखाई देंगे। इसीलिए पाकिस्तान उनको अपना राष्ट्रकवि घोषित करता है, इसीलिए पाकिस्तान में उनको इतनी पाकिस्तान का उनको विरोध मिलता है, उसका उसके उसकी उपाधि मिलती है। ये जो तथ्य है, ये जो बाबा कौम मानते हैं पाकिस्तान के, अल्लामा इकबाल को बाबा कौम मानते हैं, यहां भी कुछ लोगों ने अपने बाबा मानते हैं। जब आप सुन लेंगे, अब आप जो अब जब आप सबसे आखिर में मौका दिया मुझको, ये बताइए तराना कब उसके शेयर में लिखा गया था? अरे भैया लिखा गया था पार्टी सब बता दिया जाएगा आपको, इकबाल की किताबें सारे तराने, चलिए और सुना देता हूँ, चलिए आइए। अरे एक सुना ना, 1930 का भाषण कब दिया था? 1930 का भाषण कब दिया था? पार्टीशन से पहले तो बात में था। इलाहाबाद का भाषण कब दिया था? इलाहाबाद का भाषण कब दिया था मुस्लिम लीग के मंच पर? सारे बोलो ना, जवाब क्यों नहीं देते? सिर्फ सवाल ही करते रहोगे क्या? औरंगजेब के औलाद है तो सवाल ही करते रहोगे? अब तलवार चलाओगे? अभी औरंगजेब की नीति चलाओगे स्टूडियो में? ये कौन सा तरीका हुआ? सवाल करते रहेंगे, जवाब नहीं देंगे? प्रफुल जी, जब हम बात कर रहे थे शुरुआत में, और मैंने कहा था कि भारत का पहला आतंकवादी जो था वो इल्मुद्दीन था, जी अब्दुल रशीद था, इल्मुद्दीन को जिसने महाशय राजपाल की हत्या की थी, और अब्दुल रशीद जिसने स्वामी सत्यानंद की हत्या की थी, इस हत्यारे इल्मुद्दीन को बचाने के लिए अल्लामा इकबाल ने क्या किया था, जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए। देखिए ऐसे तो बहुत सारे वकील खड़े रहे, वकीलात पूरी खड़ी रही इनको बचाने के लिए, हकीकत राय के समय से, हकीकत राय के समय से पहला जो शिकार हुआ था ब्लैस्फेमी के लॉस का, वो तो वो हुआ था, बिल्कुल हकीकत, ये तो बाद में आप, और 13 साल का बच्चा था, 13 साल का बच्चा था, तो ये मानसिकता जो है भारतीय इतिहास के पहले आतंकवादी इल्मुद्दीन के हत्यारे के लिए अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, उसकी जब क्या कहते हैं सर, जो जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, जब वो पढ़ते हुए अल्लामा इकबाल आए तो उन्होंने कहा कि 19 साल का इल्मुद्दीन, कितनी बातें करते रह गए लेकिन 19 साल का इल्मुद्दीन, इल्मुद्दीन ने हमारी आंखें खोली और हमसे आगे निकल गया, एक बड़ाई का बेटा, ये हत्यारे के लिए अल्लामा इकबाल बोलते थे। अब सैयद जब्बार, आप अल्लामा इकबाल के लिए क्या कहना चाहेंगे? वादे के मुताबिक आपको समय दे रहा हूं। बहुत सही, आपने इतना मौका दिया हमको देने के लिए 2 मिनट का, सर आप 20 सेकंड लेते रहे तो बहुत ले लिया आप। अरे सुन लीजिए, अरे एक इतिहास लड़ने में समय खराब कर रहे हैं, चलो नहीं अभी 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 बता रहे हैं, ये डायरेक्टर साहब भी बैठे हुए और दूसरे संपादक साहब भी बैठे हुए हैं, फरवरी 1949 हो। अरे सुन लीजिए साहब, हम बगैर पढ़े नहीं आते ना डिबेट में, अच्छा। हमें पहलू नहीं देखते। फरवरी 1949 किताब का रिफरेंस दे रहा हूँ, फरवरी 1949 को, ठीक है, आजादी के बाद का भारत, सरदार पटेल ने आरएसएस को तनकी विचारधारा कहा है। अरे भैया इकबाल की बात चल रही है, इकबाल ने पाकिस्तान के लिए जिम्मेदार नहीं था, नहीं नहीं नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे, इकबाल जिम्मेदार नहीं था
था या नहीं था। 1930 से उसने पाकिस्तान के आइडिया का फ्यूचर ओपन किया या नहीं किया, इस पर बात करो। आरएसएस एस पर कभी डिबेट कर लेंगे, अभी बात चल रही है, आपने गवा दिया। दूसरों पर तलवार चलाएंगे और सवाल करेंगे तो जवाब लिखेंगे। प्रफुल्ल जी, समय का अभाव है, हमें उस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। मुझे अफसोस है सैयद जब्बाद के लिए कि एक अच्छा मौका मिला था, लेकिन विषय से भटककर उन्होंने इस मौके को गवा दिया। और मैं उम्मीद करूंगा कि भारत के मुसलमान अल्लामा इकबाल और औरंगजेब जैसे लोगों की बजाय उन लोगों को अपना आदर्श माने जो दारा शिकोह जैसी प्रवृत्ति को जिन्होंने आगे बढ़ाया है, वैसी सोच को आगे बढ़ाया है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप लोग हमारे साथ जुड़े, चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और आईसीएमआर के महानिदेशक राजीव बहल ने डायबिटीज के सामने आए आंकड़ों पर बात करते हुए बताया है कि डायबिटीज के बढ़ते आंकड़ों के कारण क्या हैं और उससे किस तरह बचाव किया जा सकता है। आइए देखते हैं उनसे डीडी न्यूज की खास बातचीत। धन्यवाद। डायबिटीज का आंकड़ा आया है, ये जो आईसीएमआर ने स्टडी की है ये इसीलिए की गई थी कि ये हम इस डायबिटीज को किस तरह से प्रिवेंट करें, किस तरह से वेलनेस को प्रमोट करें। हेल्दी डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी, ये दो चीज़ें हैं जो इसको हटा सकती हैं, जो सबसे ज़रूरी हैं। इनमें कई चीज़ें हेल्दी डाइट के बारे में मैं आपको बताता हूँ और कई चीज़ें फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में भी बताऊँगा। यदि पहली चीज़ हम देखें तो जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है उसके कई कारण हैं, जिनमें ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी का होना, हमारे आय बढ़ना, खाने को हमारा एक्सेस बढ़ना, संसाधन बढ़ना, इधर आपके जो ट्रांसपोर्ट के सबके पास गाड़ियां हैं, अब हमारे पास जितनी कार्स हैं इस देश में, जितने टू व्हीलर्स हैं, इतने पहले नहीं होते थे। पहले लोग पैदल जाया करते थे, साइकिल से जाया करते थे अपने काम में। तो अभी हमने क्या किया है, हमारी डाइट बढ़ रही है और डाइट चेंज भी हो रही है। हमने अपनी जो ट्रेडिशनल डाइट्स थी उनको छोड़ के फास्ट फूड, जंक फूड और ये सब खाना शुरू कर दिया है। और हमारा जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो कम हो गई है। इसको दोनों चीज़ों को रिवर्स करना है। हेल्दी डाइट को खाना है। आपको पता है कि इंडिया में एक FSSI ने ईट राइट करके पूरा कैंपेन चलाया है कि क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, क्यों खानी चाहिए, उसका क्या असर होता है। उसमें मिलेट्स फॉर एग्जांपल, ये साल मिलेट्स का है, मिलेट के सेवन से हमारा डायबिटीज़ का कंट्रोल भी बढ़ता है। इसी तरह से वेजिटेबल्स, फाइबर, फ्रूट अपनी डाइट में बढ़ाना, और जिस तरह की चीज़ें जैसे हाई सॉल्ट, हाई शुगर, इन चीज़ों को कम करना, ट्रांस फैट्स को कम करना, जो बुरे फैट्स हैं, जो अच्छे फैट्स हैं उनको हमारी डाइट में लेना, इस तरह की चीज़ें करने से, अपनी डाइट को हेल्दी करने से ही सबसे पहली ज़रूरत जो वो है। दूसरी चीज़ जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी है। अभी आजकल हमारी फिज़िकल एक्टिविटी ऑन एन एवरेज बहुत कम है लोगों की। जितनी एक्टिविटी आज से 20 साल 50 साल पहले हुआ करती थी उससे कम होती जा रही है, तो हमें उसको बदलना चाहिए। रिसर्च ये बताती है कि कम से कम आधा घंटा फिज़िकल एक्टिविटी हर रोज़ करना, मॉडरेट फिज़िकल एक्टिविटी, जैसे कि तेज़ सैर करना या कोई गेम खेलना या कुछ भी इस प्रकार का, जो भी आपके लिए, आपकी एज के लिए सही हो, वो करने से आपका रिस्क जो है वो कम होता है। जैसे मैंने कहा कि ना सिर्फ आप डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, आप प्री डायबिटीज़ को पूरी तरह से हटा सकते हैं। डायबिटीज़ होने के बाद भी 60% लोग जिनको डायबिटीज़ है वो सिर्फ अपनी फिज़िकल एक्टिविटी और डाइट से इससे मुक्ति पा सकते हैं। और बाकी जिनको दवाई की ज़रूरत भी पड़े वो भी अगर फिज़िकल एक्टिविटी और डाइट को ठीक करेंगे तो उनको दवाइयाँ बहुत कम लेनी पड़े, दवाई की मात्रा कम होगी। ये एक हमें इस बात का मैसेज अपनी सोसाइटी में हर एक को देना चाहिए कि हर बीमारी का इलाज
सिर्फ दवाई लेना नहीं है, अपने लाइफस्टाइल को बदलना है। लाइफस्टाइल डिजीज़ है ये, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, और उसकी वजह से होने वाले स्ट्रोक, कार्डियक इवेंट्स जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, ये सब बीमारियां भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। इसमें इन सब के साथ जो हेल्थ और जो हेल्दी डाइट और एक्टिविटी के साथ मेडिटेशन, योग, अपने को इन चीज़ों में, अपने मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखना, स्ट्रेस को नीचे रखना, इन सब से, इन बीमारियों से आप ना सिर्फ मुक्ति पा सकते हैं बल्कि बच भी सकते हैं। तो अगर एक मैसेज मैं इन सब से देखूं तो वो ये है कि हर एक को, चाहे हम अपने खुद के लिए, चाहे अपने परिवार के लिए, चाहे अपनी कम्युनिटी के लिए, हमें इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखना है। और सरकार कई तरह के पॉलिसी चेंजेस सरकार ने किए हैं, करेगी, जैसे कि मैंने आपको बोला ईट राइट, फिट इंडिया मूवमेंट, ये सब इसी कड़ी का हिस्सा है।